हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 10th of July 2020। अब मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आपका जो सिलेबस जिस तरह से बना है बच्चों क्लास 12th में, उस हिसाब से हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सिलेबस अपना ख़त्म, क्योंकि व्हाट वी वर थिंकिंग कि पीछे का 30% हटता तो दो तीन चैप्टर ही हट जाता है, बट चैप्टर हटा नहीं। इसका मतलब आपको एंड तक, मतलब एटम न्यूक्लियाई तक, सेमीकंडक्टर तक पढ़ना है बीच बीच में से टॉपिक हटा कर। अभी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, तो नाउ सिलेबस विल गो ऑन क्वाइट क्विकली। सिलेबस अब बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो आप लोग भी कमर कस ले जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन लेकर के रखे। अब क्लास बहुत तेजी से चलेगा, होमवर्क असाइनमेंट हर दिन ही मिलेगा, इसीलिए अब आप लोग भी फटाफट अब ये सब बहाना मत लगाइए कि क्लास रेगुलर हो रहा है तो इंटरनेट में 2 GB है तो 1.5 GB है तो नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम है। आप किसी तरह से मैनेज करिए, सिलेबस मैनेज करिए, सिलेबस मैनेज करिए, सिलेबस पीछे चल रहा है, सिलेबस मैनेज करिए। वीडियोज़ लेक्चर अब डेली आएंगे। दिस इज डेट 10th of July 2020, लेक्चर नंबर 46, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक कॉन्सेप्ट से, डाई इलेक्ट्रिक से। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक कॉन्सेप्ट से डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक्स को समझने के लिए ये वर्ड कई बार आ चुका है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के न्यूमेरिकल कई बार हम लोग बना चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है। बट मीनिंग एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा लेता हूँ। मीनिंग एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, एक बार डाई इलेक्ट्रिक्स का फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों की दो चार्ज ले लो, पॉजिटिव, और उसको एयर में रखेंगे, एयर में सेपरेट करके रखेंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव रखोगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा, निगेटिव निगेटिव रखोगे तो रिपेल हो जाएगा। जो अट्रैक्शन रिपल्सर हो रहा है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जिस वजह से हो रहा है उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया गया था। अब इसको अच्छे से समझना। चार्ज को सेपरेट किया गया था, बीच में क्या था, मतलब कहां पर था, तो वो एयर या फिर वैक्यूम में था ना, एयर वैक्यूम में था। एयर वैक्यूम के बीच में रखने पर भी उन दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग जाएगा। इस पूरे चैप्टर का समरी है, एफ बराबर क्यू इंटू ई, ई बराबर एफ बाई क्यू। बोलने का मतलब यह है कि जब एयर में या फिर वैक्यूम में अगर हम लोग दो चार्ज को रखे थे तो दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, लेकिन हमने छोटे क्लास से पढ़ा है, टू क्लास में पढ़ा था कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है चार्जेस का। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एयर चार्ज को कंडक्ट तो नहीं कर सकता, एयर एक ऐसा मीडियम है जो चार्ज को कंडक्ट तो नहीं कर सकता, एयर कंडक्टर नहीं है, बट उस मीडियम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो सकता है, ऐसे मीडियम को ही हम लोग फिजिक्स में डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल है, जी इंसुलेटिंग मटेरियल है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल है व्हिच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बीच में इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट्स है वो ट्रांसमिट तो हो जाएगा विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, केवल ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को कंडक्ट नहीं करेगा जी इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एन एफिशियंट सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, बट कंडक्टर नहीं है जी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, माइका, ग्लास, प्लास्टिक और न्यूमेरिकल बनाने के लिए ड्राई एयर, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब डाई इलेक्ट्रिक्स है। अब डाई इलेक्ट्रिक का बहुत सारा टाइप होता है, एक टाइप जो कि हम लोगों को पढ़ना है और केमिस्ट्री में शायद दोनों टाइप पढ़ना है, फिजिक्स में भी डेफिनेशन लिखने के लिए दोनों लिख सकते हैं, बट सिलेबस में भी हमारा है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। डेफिनेशन लिखेंगे, अ डाई इलेक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हिच, अ डाई इलेक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हिच, अ डाई इलेक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हिच
सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को इनसाइड, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके एटम मॉलिक्यूल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का, वो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा जी, कोइंसाइड करेगा जी, कोइंसाइड करेगा, उसी को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ड्यू टू जीरो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जीरो सेपरेशन है, ड्यू टू जीरो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑफ द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी बराबर हमने पढ़ा था क्यू इंटू टू ए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड नहीं होने की वजह से, ड्यू टू जीरो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सच एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ऐसे को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ऐसे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब देखो आगे, नॉन पोलर एटम को प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो समझना इसको, व्हेन अ नॉन पोलर एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव न्यूक्लियस गेट्स पुल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जैसे इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है एटम का, वो खींचा जाता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पहले पढ़े थे पॉजिटिव से निगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला है ढेर सारा पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो न्यूक्लियस को थोड़ा खींच करके दूसरे तरफ लेके जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होने लगेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और जो एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे तरफ खींचा जाएगा इस तरह से। When a non-polar atom is subjected to an electric field, the positive nucleus gets pulled along the direction of electric field, while electrons gets pulled in the opposite direction. ठीक है? As shown, ये डायग्राम बना दो। ये applied electric field. ठीक है? अब स्ट्रेच हो गया, द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, अब चार्ज डिस्प्लेस कर गया इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एटम का पोलराइजेशन का ये मतलब है, लाइट का पोलराइजेशन आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी एटम का पोलराइजेशन का मतलब ये है, पहले नॉन पोलर एटम था, नॉन पोलर एटम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कोइंसाइड हो रहा था, लेकिन स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब देखो एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस, अब देखो डज नॉट कोइंसाइड विद दैट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से ड्यू टू दिस वही जो नॉन पोलर एटम है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब देखो पोलराइजेशन के वजह से उसी नॉन पोलर एटम के पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया, और हमने पढ़ा है जहां डाइपोल मोमेंट वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एटम है जिसके पास पहले डाइपोल मोमेंट नहीं था बाद में आ गया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाई इलेक्ट्रिक में भी बनेगा। इसी वजह से हमें थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया गया था,
डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट तो नहीं करता है, कंडक्ट तो नहीं करता है, कंडक्ट तो नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्टर है। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसको आप लोग अच्छे से लिख करके रखेंगे। अब इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। थोड़ा सा टफ है समझने का, ट्राई करना, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो देखो ये एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ये एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, और इसमें भरा हुआ वैक्यूम, यहाँ पर शायद लाइट आ रहा है, ये वैक्यूम है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर वैक्यूम। ठीक है, अब कैपेसिटर तो मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है, 50 सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ई नॉट, है ना, इसका फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, अभी थोड़ा देर में काम पड़ेगा। अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में वैक्यूम है, और पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड, इसका नाम ई नॉट से, इसका नाम ई नॉट से किया हुआ। ठीक है, अब थोड़ा ये डायग्राम को देखना, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को थोड़ा सा अभी देखने का ट्राई करना। इस डायग्राम को थोड़ा एनालाइज कर लो। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया गया, पहले वैक्यूम था, पहले वैक्यूम था, पहले वैक्यूम था, अब हमने बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया गया। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब मटेरियल, उसमें ढेर सारे डाई इलेक्ट्रिक एटम है, और टू बी प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज, पिछले 13 मिनट से पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, नॉन पोलर एटम को कंटेन करता हुआ एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमने प्लेस कर दिया इस पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के बीच में। तो अभी आपको बताया गया, ड्यू टू पोलराइजेशन, वो जो नॉन पोलर एटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, ई नॉट का जो डायरेक्शन था, भैया ई नॉट का जो डायरेक्शन था, उसी डायरेक्शन के तरफ इस नॉन पोलर एटम का पॉजिटिव 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 खींचा जाएगा। अभी आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ उस न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एटम खींचा जाएगा। देखो पॉजिटिव एक तरफ और निगेटिव, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के तरफ अटैच होने लगता है। यह अभी आपको सिखाया गया था, ई नॉट इस तरफ है, और तो इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव एक तरफ अटैच हो जा रहा है, और निगेटिव इस इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट होने लगेगा। ध्यान से देखना, ये जो नजदीक वाला पॉजिटिव निगेटिव, 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 ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी ये जो निगेटिव है सबसे आउटर सरफेस वाला ये बच जाएगा, ये जो पॉजिटिव है सबसे आउटर सरफेस वाला ये बच जाएगा, जिस इस निगेटिव 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 के वजह से यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू आई लिखा हुआ है, माइनस क्यू आई इंड्यूस चार्जेस है, और ये पॉजिटिव 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 के वजह से यहाँ पर प्लस इंड्यूस चार्जेस क्यू आई प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक एटम का
शुरुआत में तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के वजह से, पोलराइजेशन के इफेक्ट के वजह से, पोलराइजेशन के इफेक्ट के वजह से आपको बताया गया कि इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इस तरफ था, अप्लाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट ये इस तरफ था, और पोलराइजेशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ हो गया, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो ई नेट इसके बीच में निकलेगा, ई नेट इसके बीच में जो निकलेगा वो हो जाएगा ई नॉट ही ज्यादा होगा, अप्लाइड वाला तो यार ज्यादा ही होगा ना, ई नॉट माइनस ई पी। तो शुरुआत में तो सिर्फ ई नॉट ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता जो एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता, बट जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करोगे तो ई नॉट माइनस ई पी से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जब पुट कर देंगे तब आएगा। इसको अच्छे से समझना और फिर एनालाइज करके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था ई नॉट बराबर, हम लोग को पहले से मालूम है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ई पी। अभी आपको पता है क्या, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। नेट ई कैसे आएगा, तो ई नॉट माइनस ई पी से आएगा, ई नॉट माइनस ई पी से आएगा, ई नॉट माइनस ई पी से आएगा। यहां तक जानने के बाद अब आपको याद होगा एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट आपको सिखाया गया था डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समझाया गया था। बट अब बातें हो रही है डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक की। तो अब अच्छे से ध्यान दो, ये ई नॉट क्या था भैया, ये ई नॉट था। अगर उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस नहीं करते वैक्यूम में पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ई नॉट, और ये ई बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है कब, जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन हो गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपका 20 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन 12 13 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच गया 6 7 8 जो भी बचा वो ई हो गया। और ये ई नॉट बाई ई नॉट बाई ई नॉट बाई ई नॉट बाई ई के रेशियो को हम लोग अब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे। एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट कूलम्स लॉ के हिसाब से ठीक था, बट एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि अगर एयर वैक्यूम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मान लो ये 12 यूनिट ई नॉट का है, जैसे ही एक डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन मान लो अगर 7 यूनिट का हो गया, यूनिट तो हम लोग इसका जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है, तो ई कितना बच जाएगा, ई जो है वो 5 यूनिट बच जाएगा। तो उस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, ई नॉट मतलब 12 बाई 5। इस तरह से ई नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट से जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकलता है, और ये जो ई नॉट बाई ई से डायरेक्टली कॉन्स्टेंट निकलता है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पर एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट है, यहाँ पर ई नॉट बाई ई है। आज के क्लास के बाद कंफ्यूज मत करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, इन सब टॉपिक में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख भाई टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स। अब इतने पिछले 19 मिनट से आप लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब है आखिर तो ये कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, अब कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो अच्छे से देख लो यही डायग्राम है, अब इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ये कैपेसिटर है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अभी आपको समझाया गया था, ये पॉजिटिव और ये जो निगेटिव बच रहा है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है जैसे ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया गया, फिर से नहीं समझाया जाएगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं, शुरुआत में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। अब अगर वी है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो हम लोग पढ़े थे E बराबर V by D, वैसे तो पढ़े थे E बराबर माइनस dV by dr, वहीं पर बताया गया था कि अगर V अगर कांस्टेंट हो, अगर V अगर कांस्टेंट हो तो E बराबर सीधा V by D से भी निकल जाता है। V अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट हो तो वो V by D से भी आ जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V by D, तो V बराबर E into D से हो जाएगा। तो अब देखो ये इसका थिकनेस T है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया इसका थिकनेस भी है, और बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अब E है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अब E है, तो E into T हो गया। बट ये जो E नॉट था, ये अभी भी ये T दिया, पूरे का D था, D में से जो T चला गया अभी भी उसमें वो जो E नॉट है वो काम कर रहा है। दिस इज E नॉट इनटू D माइनस T, ये स्टेप अच्छे से समझ लेना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो T है अब इसमें से बचा हुआ E काम करेगा, तो E into T, और जो E not है वो पूरे D में से T हटा दो, D minus T पर अभी भी काम कर रहा है। अब थोड़ी देर पहले अभी समझाएगा E not by E का रेशियो को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। E बराबर E not by K, E not by K, तो इस E के जगह पर E not by K सेट कर देंगे और ये E not D minus T रह जाएगा। E not को अगर कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा D minus T plus T by K plus T by K, D minus T plus T by K plus T by K, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था E not का वैल्यू बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सिग्मा by epsilon not, सिग्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, Q by A होता है, where A is the area of this parallel plate capacitor। This is, देख लो कैसे कनेक्ट हो जा रहा है, कहां से कहां टॉपिक। This is Q by A epsilon naught, तो V बराबर कितना हो गया, E naught के जगह पर sigma by epsilon naught, sigma के जगह पर Q by A epsilon naught, तो E naught के जगह पर Q by A epsilon naught D minus T plus T by K। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना था, कैपेसिटेंस बराबर Q by V, Q by V, Q by V, तो Q by V जब करेंगे, तो ये Q2 कट जाएगा, A epsilon naught D minus T plus T by K आ जाएगा। A epsilon naught D minus T को केवल कॉमन निकाल लें तो ये 1 minus 1 by K, नहीं भी निकालने पर हो जाएगा, ऊपर वाले को भी मान सकते हो, बट बुक में इस फॉर्म में आंसर आपका दिया हुआ है। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कितना T का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो C बराबर A epsilon naught D minus T into 1 minus 1 by K। प्रूफिंग का पैटर्न हट गया, नहीं तो करोड़ों साल से यही वाला प्रूफिंग आ रहा था बोर्ड के एग्जामिनेशन में, यही वाला प्रूफिंग जो है ये करोड़ों साल से आ रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर ये पार्शियली फुलफिल नहीं, अगर पूरा तरह से फुलफिल कर जाता, पूरी तरह से फुलफिल करने का मतलब अगर T का वैल्यू पूरे D के बराबर हो जाता, अगर T पूरे D को भर देता तो देख रहे हो क्या हो जाता, A epsilon naught ये D minus D कैंसिल हो जाता और ये C का वैल्यू जो है वो हो जाता A epsilon naught dt बराबर है तो कट जाता, ये d by k बच जाता, और ध्यान से देखते हो तो c बराबर k a epsilon naught by d आ जाता, मतलब k times of air वाले की कैपेसिटेंस के बराबर आ जाता। इसका इस्तेमाल हम लोग पहले भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी कर चुके हैं, याद होगा बताया गया था पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वाज a epsilon naught by d, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते थे तो K epsilon naught by D होता था, बट आज हम लोग सीखे कि K epsilon naught by D केवल तब होगा जब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे जगह को फुल करेगा। अगर पूरे जगह को फुल नहीं, पार्शियली अगर फुल फिल करे, तो C बराबर A epsilon naught D minus T into 1 minus 1 by K,
दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसी को कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर कंडक्टिंग स्लैब ही प्लेस कर दिया पार्शियली फील्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा जी, 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 तो आपको बताना है। देखो वही डायग्राम है, डायलैक्ट्रिक स्लैब की जगह पर आप कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए हैं, डायलैक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए हैं, तो पिछला वाला क्रिपिंग था सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, V बराबर था E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, बट इस बार ये जो E की वैल्यू जीरो है, ये 30 करोड़ बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, 30 करोड़ बार पढ़ाया गया है। तो ये E की वैल्यू अगर जीरो है तो ये टर्म साफ, तो V बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी, E नॉट के जगह पर सिग्मा बाई ए, सिग्मा के जगह पर क्यू बाई एप्सिलॉन, मतलब ई नॉट के जगह पर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के जगह पर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और कैपेसिटेंस बराबर क्यू बाई वी, क्यू को वी से डिवाइड मार देंगे तो इस बार आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, इस बार जो सी की वैल्यू है दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अगर D की वैल्यू T, अगर मतलब ये जो कंडक्टिंग स्लैब है अगर वो पूरे जगह को फिल कर दे, पूरे जगह को फिल कर दे, पूरे जगह को फिल कर दे कैपेसिटर के बीच का, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इतने कॉन्सेप्ट को हम लोगों को याद करना है। अब इसमें बच्चे पूछते कि आखिर डायरेक्ट स्लैब को प्लेस करने पर हुआ क्या जी, प्लेस करने पर हुआ क्या, तो आप देखे थे कि एयर प्लेट कैपेसिटर का ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, और अगर पुट कर दे अगर कोई डायरेक्ट स्लैब को तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, या फिर जितना ये तो पूरे में प्लेस करने पर आए, मतलब कुछ भी कर लो, कैपेसिटेंस का मतलब ही था चार्ज स्टोरिंग की क्षमता को बढ़ाना, और डायलैक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने पर के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाने पर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का और बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि बस सिलेबस है इसीलिए डायलैक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर रहे हैं, एक्चुअली में डायलैक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने पर डायलैक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के बीच में जो जगह है इंसुलेटिंग मीडियम का, वहां पर अगर आप एक डायलैक्ट्रिक्स को प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो चार केस अभी करवाया गया है, किसी भी केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और कैपेसिटेंस का काम ही था चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये जो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पूरी तरह से आपका खत्म हो गया, बट हम लोग 46 लेक्चर में हैं, हम लोग चार लेक्चर ट्राई करेंगे और वो 50 लेक्चर्स पर चैप्टर का सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस चैप्टर का जितना रिसेंट में मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो थोड़ा बहुत साइड शूट बीच बात का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिला के अगर चार क्लास भी और लिया जाए तो 50 क्लास में हमारा कैपेसिटेंस एकदम फुल एंड फाइनल जो है वो खत्म हो जाएगा। वैसे सिर्फ बोर्ड लेवल पर बात करें तो आपका ये पूरा चैप्टर प्रूफिंग वाइज टॉपिक वाइज पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो, दोस्तों को जिन लोगों को मदद की जरूरत है वीडियो को शेयर कर दो, एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ले करके रखो, और जो लोग ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर फ्री पेमेंट कर रहे हैं फ्री पेमेंट को आगे बढ़ाते रहो। हम लोग घर पर रहेंगे अभी, पूरी मेहनत करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। 12th क्लास फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर आज आप लोगों का बोर्ड्स लेवल पर खत्म हो गया, तो ठीक से नोट्स बना लेना बच्चों, यहीं तक रहेगी आज की वीडियो, थैंक यू।